तो आज की वीडियो में हम लोग एलेक्जेंड्रा के बारे में बात करेंगे, जो कि माइनक्राफ्ट की एक हॉरर लेजेंड है, जिसे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में डार्क एलेक्स या डीमन एलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहली बार माइनक्राफ्ट वर्जन 1.8 में देखा गया था, सितंबर 2, 2014 में। इसको ढूंढने वाले माइनक्राफ्ट प्लेयर का नाम एंडर गेमर 27 है और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को ऑनलाइन शेयर करा है, जिसको मैं आप सभी के साथ आज खुद शेयर करने वाला हूँ। तो ये बात है सितंबर 2, 2014 की। अब जिन लोगों को नहीं पता, उन सभी को मैं बता दूं कि इस समय पर माइनक्राफ्ट का वर्जन 1.8 रिलीज हुआ था और वर्जन 1.8 में पहली बार एलेक्स को गेम में ऐड किया गया था। अब हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर एंडर गेमर 27 इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि गेम में अब स्टीव के बाद एक नया कैरेक्टर आने वाला था और भी कई नए फीचर्स आने वाले थे, क्योंकि ये विलेज एंड पिलेज अपडेट था। तो जल्दी से नया वर्जन डाउनलोड करता है और अपना माइनक्राफ्ट ओपन करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। वो एक नया वर्ल्ड बनाता है और सीड रख देता है LLO LOLO, और वो वर्ल्ड लोड हो जाता है और इस बार भी सब कुछ नॉर्मल होता है। वही नॉर्मल वर्ल्ड और वही उसकी एंडरबॉट वाली स्किन, और वो वर्ल्ड में लोड होते ही डर्ट कलेक्ट करने और वुड कलेक्ट करना चालू कर देता है और फिर वो अपना एक नॉर्मल सा हाउस बनाता है और कुछ टूल्स भी बनाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद केव माइनिंग करने लग जाता है। लेकिन उसे केवल 4 आयरन ओर्स और 2 रेडस्टोन से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी थोड़े से रिसोर्सेज पाके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकलने लग जाता है। और वो जब घर पहुँच रहा होता है तब उसे दिखता है कि एक एलेक्स स्किन में एक प्लेयर उसके घर के डोर स्टेप पे खड़ा होता है और वो सिर्फ खड़ा होता है, कुछ कर नहीं रहा होता है। वो प्लेयर को लगता है कि वो शायद उसी का दोस्त होगा और शायद वो वर्ल्ड बनाते वक्त मल्टीप्लेयर वाले ऑप्शन को ऑफ करना भूल गया होगा। तो वो प्लेयर चैट में उस प्लेयर से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि हु आर यू। वो प्लेयर उससे कहता है या कहती है, आई एम एलेक्जेंड्रा बट यू कैन कॉल मी एलेक्स। वो प्लेयर फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन वो एलेक्जेंड्रा उसे कुछ रिप्लाई तो नहीं देती, लेकिन उसकी जो बात है उसे घुमा फिरा के टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है और उससे बिल्ड बैटल करने के लिए कहती है, और एंडर गेमर 27 भी मान जाता है और फिर एलेक्जेंड्रा वुडन प्लैक्स निकालती है और तुरंत बिल्डिंग चालू कर देती है। अब वो 12 मिनट तक बिल्डिंग करती है और एक बहुत बड़ा एलेक्स स्टैचू बनाती है, जिसे देख के वो प्लेयर हैरान हो जाता है और थोड़ा बहुत खुद के बिल्ड से डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि ऐसा स्टैचू बनाने में वो प्लेयर कहता है कि उसे खुद कम से कम 1 घंटा लगता, जो कि एलेक्जेंड्रा ने केवल 12 मिनट में बना दिया। फिर उस बैटल के बाद एलेक्जेंड्रा और एंडर गेमर 27 कुछ पिक्स को मारते हैं, जोम्बी से लड़ते हैं और एक विलेज में भी एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। अब यहाँ से चीज़ थोड़ी बिगड़नी चालू हो जाती हैं। तो उन दोनों को उस वर्ल्ड में खेलते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका होता है। वो दोनों काफ़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन वो एंडर ड्रैगन को हराने जाते हैं। अब एंडर गेमर 27 एंडर ड्रैगन से लड़ते हुए सोचता है कि वो बहुत लकी है जो उसे एलेक्जेंड्रा जैसी दोस्त मिली, और फाइनली एंडर ड्रैगन को बीट करने के बाद वो लोग जैसे पोर्टल में कूदते हैं उन्हें एंड क्रेडिट्स दिखते हैं। लेकिन गैस वॉट, एंड क्रेडिट्स जो होते हैं वो रेड टेक्स्ट में लिखे होते हैं और ब्लड जैसे फॉन्ट में, और लास्ट में प्लेयर को एक पॉपअप मैसेज मिलता है जिस पे लिखा होता है, आर वी बेस्ट फ्रेंड्स, और नीचे 2 ऑप्शन होते हैं, एक येस और एक नो का। अब उस प्लेयर को लगता है कि वर्जन 1.8 में ये कोई नया ट्रोलिंग मैसेज आया है, तो वो मजाक मजाक में नो पे क्लिक कर देता है। अब कहानी वहीं पर रिपीट होती है जब उसे पहली बार एलेक्जेंड्रा मिलती है उसके घर के डोर स्टेप पे, और उसे एलेक्जेंड्रा मिलती है जो कि चैट में लिखती है, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, और यही वो स्पैम करती रहती है और वो उसे बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारा वर्ल्ड वगैरह डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और वो और उसे डराने की कोशिश करती है, और ऐसे करते करते एकदम से उसका गेम क्रैश हो जाता है। वो प्लेयर अपना पीसी बंद कर देता है और उसे थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन तभी खिड़की से एक पत्थर टकराता है और उसकी खिड़की टूट जाती है। और बस क्रीपी पास्ता में इतना ही था। अब अगर बॉबी 1545 की स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, नहीं तो हीरो ब्रांड की वाइफ एलेक्स ब्रांड की स्टोरी देखने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि मैं मिलूंगा तुमसे, तुम मिलोगे मुझसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।